नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो राशन कार्ड से संबंधित वीडियो लेके आए हैं। तो हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड दुकान खोलने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, तो उसी को लेकर हम वीडियो लाए हैं। तो इसमें हम आपको दो जानकारी देंगे, तो हम पूरी जानकारी दें उसके पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं सामने एक पेज खुला हुआ है, इस पेज में आप देख सकते हैं इधर पर दिया हुआ नवीन दुकान खोलने हेतु आवश्यक मार्ग दर्शिका, नवीन दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति, और साथ ही साथ आप यहां से पात्रता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से राशन कार्ड धारी हैं जो आपकी दुकान में आते हैं और वो बोलते हैं हमें पात्रता पर्ची डाउनलोड करना है, तो आप यहां से पात्रता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको इस पेज में आना। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे, यहाँ पे हमको सर्च करना है एम राशन मित्र, इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहली जो लिंक आएगी हमें उसी पे क्लिक करना है, rasanmitra.nic.in, इस लिंक पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। जैसे ये पेज खुलेगा तो हमें सीधे इधर डैशबोर्ड पे आ जाना है, हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमको पात्रता पर्ची डाउनलोड करें पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे समग्र आईडी डालना है, समग्र आईडी के बाद हमें सदस्य की आईडी डालना है जिसकी हमें पात्रता पर्ची निकालना, उसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है, सदस्य का हमें आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, और फिर हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो सदस्य है उसके मोबाइल पर एक OTP आएगी, उस OTP को डालने के बाद हमें सबमिट कर देना, तो हम यहाँ से पात्रता पर्ची निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर पे सीधा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन भी पूरे लिखे हैं कि आपको किस तरीके से पात्रता पर्ची डाउनलोड करना है। तो यहाँ से तो आप पात्रता पर्ची निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको दूसरी जानकारी देते हैं कि नवीन राशन दुकान खोलने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इधर लिखा हो नवीन दुकान खोलने हेतु आवश्यक मार्ग निर्देशिका, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, इसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे नवीन दुकान खोलने के लिए निर्देशिका दी गई है। ये 5 फरवरी, इधर इसकी अंतिम तिथि 14 तारीख है, इसी तरह से अलग अलग डेट दी गई हैं, हर पंचायत की एक अलग अलग डेट दी गई है, ये आप देख सकते हैं पूरी दी गई है। तो चलिए इसकी PDF हम यहाँ से देखेंगे, नवीन दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो चलिए हम इस पे आपको एक दमोह या किसी भी ज़िले की एक दिखा देते हैं, तो हमारा क्षेत्र दमोह है, तो चलिए दमोह की हम दिखा देते हैं। यहाँ पे विज्ञप्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 तारीख है, इसके बाद हम इधर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि अब फॉर्म भरने के लिए मात्र आपको 2 से 3 दिन का ही समय मिला है बहुत सी जगह पे। तो चलिए हम दमोह ज़िले की आपको खोल के दिखाते हैं। ये हमें PDF मिल गई, इसमें आप देख सकते हैं दमोह में किस किस क्षेत्र में राशन दुकान खोलने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय उचित मूल दुकान संचालन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं, तो जो आपकी संस्था होना चाहिए वो आपकी मध्य प्रदेश सरकारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा के अंतर्गत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहु
प्रयोजन सोसाइटी, महिला स्व सहायता समूह या संयुक्त वन प्रबंधन प्रबंध समिति, इनमें से कोई एक सोसाइटी आपकी होना चाहिए तो ही आप राशन दुकान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी इनमें से कोई एक सोसाइटी है तो आप राशन दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद जो आपको हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगी उसकी अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 रहेगी। तो मतलब आप जो फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो हार्ड कॉपी भी जमा करना है तो हार्ड कॉपी भी आपको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी जमा करना है, और ये हर ज़िले में अलग अलग जो विज्ञप्ति निकली वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो आप इस पर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो हम फिर से होम पेज पर जाएंगे, यहाँ लिखा नवीन दुकान हेतु किए गए आवेदनों की स्थिति, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जानकारी देखे पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ से ट्रैक हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरना है। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर वाली इस लिंक पे आना है। इस पे आने के बाद आप देख सकते हैं इधर पे लिखा हुआ है नवीन दुकान हेतु ऑनलाइन पंजीयन तथा आवेदन करें, हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ये पूरी डिटेल भर देना है जो भी आपसे मांग रहा है। ये पूरी डिटेल भरने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपको प्रिंटआउट निकलेगा इसके साथ आपके दस्तावेज भी अपलोड होंगे, तो उसकी जानकारी आप संबंधित कार्यालय से पता कर लीजिएगा कि कौन से दस्तावेज इसके साथ आपको अपलोड होना है। इस पर साइट पे हमको कहीं मिल नहीं पाया इसलिए हम वो जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी आप संबंधित कार्यालय में जहां आपको फॉर्म सबमिट करना है वहां से आप पता कर लीजिएगा कि कौन से दस्तावेज इसके साथ आपको अपलोड भी करना है। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जो आपको प्रिंटआउट निकलेगा उस प्रिंटआउट के साथ समस्त दस्तावेज लगाकर संबंधित कार्यालय में आपको हार्ड कॉपी जमा भी करना है। तो इस तरीके से आप नवीन दुकान राशन दुकान खोलने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।